नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है पॉइंट लोकेशन की क्लास में। हम टिपिल वार्मर मेरिडियन पे हैं और हमने अभी तक टिपिल वार्मर का जो 10 नंबर पॉइंट है वहाँ तक हमने किया था। अब है हमारा टिपिल वार्मर का 11 नंबर पॉइंट, यहाँ से हम आज शुरू करना है। टिपिल वार्मर का जो 11 नंबर पॉइंट है, ये जो आपको एल्बो है, एल्बो का जैसे उभरा हुआ भाग है, वहाँ से 2 कुन की दूरी पर ये टिपिल वार्मर 11 है। अब हमने इसको, इस सबसे उभरे हुए भाग को और आपका जो एक्रोमेल एंगल है यहाँ पर बोन, यहाँ तक हमने एक सीधी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई है। अब सब पॉइंट इस लाइन पे होंगे। अभी हमने 10 की बात करी थी, 11 है जो कि इस 0 से 2 कुन की दूरी पर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, विद द एल्बो फ्लेक्स्ड दिस पॉइंट इज लोकेटेड 1 कुन अबाउट TE10, यानी टिपिल वार्मर 10 से 1 कुन ऊपर है। इसमें निडिल लग सकती है परपेंडिकुलर इंसर्शन, 0.8 से 1.2 कुन की निडिल लग सकती है। अब मैं फिंगर पे जब ये लगाता हूँ, यानी कि सुजो क्रॉसपोंडेंस पे लगाता हूँ, तो जो सबसे उभरा हुआ भाग है उसके पास हमारा ये 10 है पॉइंट, उसके ऊपर बस हमने एक थोड़ा सा दूर पर हमने TW11, ये मिडिल में चल रहा है सारे पॉइंट, मिडिल में TW11 नंबर पॉइंट है। इसका नाम है TW11, किंग लैंग योन इस पॉइंट का नाम है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज क्लियर कोल्ड एब्सेस, यानी कि ये जो है क्लियर कोल्ड वाटर स्प्रिंग, ये आपके शरीर से कोल्ड वाटर को बाहर निकालता है, यानी कोल्ड आपकी बॉडी से कोल्ड को क्लियर करने का काम करता है। या दिस पॉइंट एक्सपेल द वात दोषा फ्रॉम द नेक एंड अपर बैक, पेन एंड स्टिफनेस इन द फोरआर्म, पेन इन द शोल्डर, हेडेक, आई पेन, पेन इन द हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, तो इसमें हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज TW12, या इसको TE12 भी लिखते हैं। अब ये आपका जो सबसे उभरा हुआ भाग कोहनी का है, यानी एल्बो का, उससे 5 कुन की दूरी पर है TW12। एट द लाइन ड्रॉन फॉर फ्रॉम TW14 टू TW10, हमने TW10 से TW14 को हमने मिलाया, 3 कुन अबाउट TW11, यानी कि TW11 से 3 कुन ऊपर, और जो हमने यहाँ से लिया 0 से 5 कुन ऊपर हमने माना इसको, तो यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा। परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा, 1 to 1.5 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है ना। अब ये थोड़ा सा गैप देख के इस पॉइंट को हमने थोड़ी और दूरी पर हमने ये लगा दिया, TW12 पॉइंट को लगाया। आप इसको जो ऐसे देख सकते हैं, जो मैंने इधर लगाया हुआ है, पूरा हैंड का पिक्चर बना हुआ है, ऐसे देख सकते हैं, और साथ में मैंने इसका इसका जूम करके इसका पिक्चर बनाया हुआ है, तो एक कैसे TW12 को आपको लगाना है। जियो ल्यू इस पॉइंट का नाम है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज डिस्पर्सिंग ल्यू रिवर, ये क्या काम करता है, द पॉइंट एक्सपेल द वात एंड कफ दोषा, हेडेक में, टूथेक में, पेन इन द नेक एंड बैक, एपिलिप्सी में, फीलिंग चिल एंड कोल्ड जब आपको फीलिंग ज़्यादा हो रही हो, डिफ़िकल्टी इन मूविंग हैंड बैक साइड, अगर आपको हाथ को पीछे ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज TW13। अब ये देखो कि ये आपका जो है डेल्टॉइड मसल्स है, ये डेल्टॉइड मसल्स है, इसको डेल्टॉइड मसल है इस मसल्स के पास में, यानी कि अगर ये हम 14 से लेते हैं, 14 से 3 कुन नीचे, ठीक है ना, 14 से अगर हम पॉइंट को लेते हैं, इससे 3 कुन नीचे जो है हमारा ये पॉइंट है, जो आपका ये जो डेल्टॉइड मसल है, एक्रोमेल एंगल है, ये एक्रोमेल एंगल है, उससे 3 कुन नीचे हम इस पॉइंट को लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2/3 द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ड्रॉन बिटवीन TE10 टू TE14, TE10 टू TE14 का जो ऊपर का टू जो है सॉरी 3 कुन बिलो लेंगे इसे, अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ड्रॉन, इसका 2/3 होगा, इसका मतलब ये पूरी लाइन का 2/3 पॉइंट है ये, यानी कि अगर इसको 3 भागों में डिवाइड करता हूँ मैं TW10 से, तो ये 1/3 इसका एक भाग हो गया। परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा, 1 to 1.5 कुन की निडिल लग सकती है।
नेम ऑफ दिस पॉइंट इज अपर आर्म कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इसको बोलते हैं, अपर आर्म कन्वर्जेंस। दिस इज द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टिपल वार्म मेरिडियन विद द यांग वाइमो, यांगमो जो वेसल है उससे ये पॉइंट ल्यू कनेक्ट करता है। दिस पॉइंट एक्सपेल द वातदोषा, स्क्रैफुला में यूज होता है, स्क्रोफुला जो लिम्फ नोड होता है जो कान के नीचे हो जाता है उसको हम बोलते हैं। द टर्म यूज फॉर लिम्फेडेनोपैथी ऑफ द नेक यूजली एज ए रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन इन द लिम्फ नोड्स, इट कैन बी कॉज बाई ट्यूबोक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम, यानी कि टीबी की वजह से भी हो सकता है ये। हम इस पॉइंट को गोइटर में यूज़ करते हैं, गोइटर होता है ए स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसमें यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर एंड पेन इन द अपर लिम्ब यूज़ कर सकते हैं, स्वेलिंग इन द थ्रोट में, फीलिंग हॉट एंड चिल, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंगल पॉइंट की तरह यूज़ करें, इन्फ्लेमेशन इन द बैक ऑफ द नेक, अगर नेक के पीछे कोई इन्फ्लेमेशन है तो हमें TW13 को सीडेशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज TW14। ये जो आपका यहाँ पर LI हमने देखा, यहाँ पर हमारा LI15 पॉइंट भी आया था, इस जगह यहाँ पर हमारा LI15 पॉइंट भी था, उसके पास में ये TW14 पॉइंट है ना। पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर ऑफ द एक्रोमियन, द पॉइंट इज इन द डिप्रेशन बिटवीन अपर आर्म इज फुल्ली अबडक्टेड। जब हम इस पॉइंट को पूरा नीचे की तरफ हम खोल के रखेंगे तो सबसे लास्ट में ये पॉइंट है, TE14 बोल सकते हैं या TW14 इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं। अब अगर मैं सुजो क्रोस्पोंडेंस में लगा रहा हूँ तो सुजो क्रोस्पोंडेंस में यहाँ से चलूँगा, जहाँ पर ये मेरी बोन शुरू हो जाती है उसके पहले पॉइंट पे हम ये हमारा TW13, और जब बोन का सबसे उभरा हुआ जो पार्ट है यहाँ पर मैं लेता हूँ TW14, क्योंकि हमने देखा कि TW15 भी हम देते हैं जब हाथ को, जब ये सॉरी ये लाजेंडेशन का 15 नंबर पॉइंट भी हमारा यहाँ पर था, जो कि पॉइंट सबसे उभरे हुए भाग के पास में, इधर लाजेंडेशन का 15 नंबर पॉइंट था, है ना। यहाँ पर परपेंडिकुलर निडिल लगेगी हमारी टूवर्ड द शोल्डर ज्वाइंट, 1 to 1.5 कुन की निडिल हम लगा सकते हैं। क्या काम करता है जिन लियो, इस पॉइंट का नाम है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज शोल्डर क्रीव्स, दिस इज ए स्पेसिफिक पॉइंट फॉर क्लेविकुलर ज्वाइंट, जो क्लेविकुलर ज्वाइंट होता है, जो ऊपर का जो ज्वाइंट होता है क्लेविकल बोन के पास में ज्वाइंट होता है, इस पॉइंट का ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। दिस पॉइंट एक्सपेल द वात एंड कफ दोषा, अर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट में यूज करते हैं, पेन इन द लोकल एरिया, नमनेस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। TW5 इज अ मोटर पॉइंट विच रोटेट आर्म लेटरली, अगर ये एक TW5 भी है पॉइंट, इज ए मोटर पॉइंट विच रोटेट आर्म लेटरली, उसके साथ इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज TW15। हमने यहाँ पर अभी गॉलबेडर का 21 नंबर आएगा वो यहाँ पर है, उसके पास में TW15 पॉइंट है, उसके नीचे हमने स्टमक 13 नंबर हमने पढ़ चुके हैं हम पॉइंट को, यानी कि ये है सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, जो जो सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला है उसके ऊपर ये पॉइंट लगता है, TW15 नंबर पॉइंट है, यानी TW15 नंबर पॉइंट है, ठीक है ना। एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ड्रॉन GW21 एंड SI13, SI13 है सॉरी, ये स्टोमक नहीं, SI13, एट द सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, परपेंडिकुलर निडल लग सकती है यहाँ पर, 0.5 to 0.8 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है। सुजो क्रोस्पोंडेंस में हम जाएंगे, यहाँ से चलेंगे और इधर जो आपका ऐसे जब मैं थंब को बनाऊंगा तो ये मेरा शोल्डर का एरिया हो गया, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लगाते हैं TW15 नंबर पॉइंट है। टेन लियो इस पॉइंट का नाम है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज सिलिस्टियल क्रीव्स, इसे बोलते हैं। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टिपल वार्मा मेरेडियन विद द गॉलब्लैडर मेरेडियन एंड यांग वैमो, यहाँ पर इस पॉइंट पर टिपल वार्मा मेरेडियन, यांग वैमो और गॉलब्लैडर मेरेडियन आकर मिलती है। दिस इज ए स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द शोल्डर रिस्ट एंड एल्बो ज्वाइंट, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज हाइग्रोमेटिक पॉइंट। हाइग्रोमेटिक पॉइंट होता है मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड गैसेज, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके शरीर में ह्यूमिडिटी को, एयर एंड गैसेस को मेजर करने का एक पॉइंट होता है, यानी कि TW पॉइंट जो है, TW15 जो पॉइंट है, ये हाइग्रोमेटिक पॉइंट है, हाइग्रोमेटिक पॉइंट।
दिस पॉइंट एक्सपेल द वात एंड कफ दोष एंड सेंड्स एनर्जी अपवर्ड। ये शरीर में से वात और कफ दोषों को निकाल कर ऊपर की तरफ एनर्जी को डायरेक्ट करता है, भेजता है। आप कहाँ यूज कर सकते हैं? पेन एंड स्टिफनेस इन द बैक नेक, पेन इन द शोल्डर एंड आर्म्स, हैवीनेस इन द चेस्ट, फीलिंग हॉट एंड चिल, पेन इन फोजा, सुप्रा क्लेविकुलर में यूज कर सकते हैं, फीवर विद नो स्वेटिंग में यूज कर सकते हैं। कहाँ पर यूज कर सकते हैं? सिंगल पॉइंट में। अगर मैं TW15 को टोन करता हूँ, ये आपका इम्यून सिस्टम को एनहेंस का काम करता है। पेन है ओनली एट द नाइट, अगर आप सिर्फ रात को ही होता है तो LI15 को टोन या TW15 को मुझे टोन करना चाहिए। अगर मेरे को हाथ में या कहीं भी पेन है तो LI15 या TW15 को मुझे टोन करना चाहिए। इनएबिलिटी टू रेज द आर्म, तब मैं TW15 को सीडेट करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट इज TW16 पॉइंट है। अब ये आपका हेड है, अब ये नेक पे है TW16, ये आपकी जो है स्टर्नो क्लिडोमैस्टॉइड मसल्स है। इस मसल्स के पास में हमारा ये TW16 नंबर पॉइंट है ना। ये जो आपका जो चिन्ह है यानी एंगल ऑफ द मैंडिबल, इसको एंगल ऑफ द मैंडिबल बोलते हैं, ये जो चिन्ह है यहाँ से जो इसका उभरा हुआ भाग, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर मैं इसे हॉरिजेंटल डालूंगा तो यहाँ पर ये मेरा पॉइंट आता है। अगर मैं इस चिन्ह से पीछे की तरफ जाऊँगा और ये मसल को पार करने के बाद मेरा TW16 पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। डायरेक्टली अंडर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैस्टॉइड प्रोसेस, लेवल विद द एंगल ऑफ मैंडिबल एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नो क्लाइडोमैस्टोडियस, इस जो मसल्स का नाम है उसके उस पे परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा। 0.521 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है। ये अगर सुजो क्रोस्पोंडेंस में जाऊँगा तो मैं यहाँ पर मैं चलूँगा और ये मेरा जो है ये नेक का एरिया है और नेक के एरिया पे मैं इसके यहाँ पर TW16 पॉइंट को लगाऊंगा। टैन यू इस पॉइंट का नाम है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज सेलेस्टियल सर्विस क्रीव्स, इसका नाम है। दिस पॉइंट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को देखता है ये पॉइंट। दिस इज द लिम्फ ऑफ सेंस ऑर्गन, बाय ट्रीटिंग दिस पॉइंट वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट बाय पैरालिसिस। ये जो है जो जो पॉइंट है लिम्फ का, ये सेंस ऑर्गन के लिम्फ का पॉइंट है। हम इस पॉइंट पे कभी कभी ट्रीटमेंट कर कर हम कोई पैरालिसिस को से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको पैरालिसिस किसी को होने वाला है तो उसको यहाँ पर हम ट्रीट कर सकते हैं। बाय ट्रीटिंग दिस पॉइंट सेंस ऑर्गन फंक्शनिंग वेल एंड रिड्यूस एंगर फियर एंड डिप्रेशन। यहाँ पर ट्रीट करने से सेंस ऑर्गन की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, एंगर रिड्यूस हो जाता है, फियर एंड डिप्रेशन भी कम हो जाता है। अब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हेडेक, डिजीनेस या ब्लड विजन में, स्टिफनेस ऑफ द नेक में, सडन डेफनेस किसी को हो जाए, पेन एंड स्वेलिंग ऑन द थ्रोट हो सकती है, एपिटैक्सिस ब्लड आना, ऑल डिसीज ऑफ हेड नेक एंड फाइव सेंस, आपकी फाइव सेंस से संबंधित कोई भी डिसीज है तो यूज़ करेंगे, स्क्रैप फुला में यूज़ करेंगे, पेन इन द शोल्डर एंड बैक में यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज TW17। अब ये जो आपका ईयर है, कान है, इसको कान को मैं ये जो मैंने यहाँ पे वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है ये ईयर है, तो ये सबसे नीचे कान का जो लोब है इसके पास में यानी ईयर लोब के पास पीछे जो है ये पॉइंट लगेगा, है ना। ये इसके पे मैस्टॉइड प्रोसेस है, इसके पीछे जो बोन होती है उसको मैस्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं, उसके नीचे यहाँ पर एक गड्ढा होता है, यहाँ पर इस पॉइंट को लगाते हैं। पोस्टीरियर, अब ऐसे यहाँ पे जो मैंने कान बनाया है तो इसके पीछे से 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके पॉइंट चलेंगे, 21, 22 एंड 23 ये पॉइंट है, हम इस पर बात करेंगे। पोस्टीरियर ऑफ द लोब्यूल ऑफ द ईयर इन द डिप्रेशन बिटवीन द मैंडिबल एंड मस्टॉइड प्रोसेस, ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा, 0.8 to 1.2 कुल की निडल यहाँ पर लग सकती है। क्या काम करता है ये? वाई फेंग इस पॉइंट का नाम है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज विंड स्क्रीन। ये क्या काम करता है? दिस इज द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टिपल वार्मा मेरिडियन विद द गॉल ब्लैडर मेरिडियन एंड दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ईयर ड्रम, कान का जो ईयर ड्रम होता है उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है। दिस पॉइंट एक्सपेल द वात दोषा एंड री एस्टेब्लिश सेंस ऑर्गन ईयर एंड आइज, जो आपके वात दोषा को निकालता है और आपके सेंस ऑर्गन जो आइज और ईयर हैं उसको जो है री एस्टेब्लिश करने का काम करता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर ईयर ड्रम एंड मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर का यानी कान के बीच का और ईयर का ड्रम का ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसलिए इसको डेफनेस एंड टिनिटस में यूज कर सकते हैं।
बहरापन, डेफनेस बोलते हैं, बहरापन, टिनिटस बोलते हैं, रिंगिंग साउंड जो कान में आती है उसको, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ आउटर ईयर, पेरोटाइटिस, स्टिफ जॉ, अफेजिया में, ग्राइंडिंग टीथ, कोई टीथ को चबाता है उसमें, नॉन स्टॉप स्नीजिंग में, फेशियल पैरालिसिस में। ट्रीट दिस पॉइंट फॉर पस फॉर द ईयर, अगर किसी को कान में से पस आ रही है तो हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, और ऑल ईयर, और कोई भी ईयर की डिसीज है तब भी हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। अब हम चलेंगे TW18, बस ये जो 17 के हम थोड़ा सा ऊपर चले, ये TW18 है, यानी कि अगर मैं, ये सबसे उभरा हुआ भाग है, ये है TW20, यानी कि जो सबसे उभरा हुआ भाग है कान का, यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है TW20। तो अब ये हम इस इसमें हम लेके चलते हैं, तो ये 1/3 हुआ, ये हमारा 2/3 पे हमारा TW जो है 20 हुआ, उसके बीच में एक और पॉइंट आएगा जो कि TW19 है। तो अभी मैं TW18 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो TW18 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर मैंने सुजो क्रॉसपॉन्डेंस में दिखाया कि ये TW18 है, जस्ट बिटवीन TW20 एंड TW17 एट द फंक्शन जंक्शन ऑफ द मिडिल 1/3 एंड द लोअर 1/3 ऑफ द कर्व लाइन अलोंग विद हेलेक्स। ये हेलेक्स होता है, इससे सबक्यूटेनियस इंसर्शन हो सकता है। यहाँ पे हमें जो है निडिल को डीप नहीं लगाना है, सबक्यूटेनियस निकालना है, सिर्फ स्किन के नीचे 0.3 to 0.5 को उनकी निडिल लगा सकते हैं, या प्रिक कर सकते हैं उसको, और उसमें प्रिक करने के बाद थोड़ी सी ब्लीड का एक ड्रॉप निकाल सकते हैं। ये क्या है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज स्पाजम वेसल, यानी चायमाई, इस पॉइंट का नाम है चायमाई या स्पाजम वेसल इसको बोल सकते हैं। दिस पॉइंट एक्सपेल द वात दोषा, फियर, स्टिफनेस एंड बाई जो है बाई ट्रीटिंग दिस पॉइंट इन्फेंटाइल कन्वर्जन कैन बी करेक्ट। तो एक तो फियर है या जो है स्टिफनेस है कहीं पे, और आपको जो इन्फेंटाइल कन्वर्जन है वो यहाँ से करेक्ट हो सकता है। यूज़ कहाँ करते हैं, हेडेक में, टिनिटस एंड डेफनेस में, इन्फेंटाइल कन्वर्जन में, फियर एंड क्रैम्प ऑफ द चिल्ड्रन, सडन ब्लाइंडनेस किसी को हो जाए, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एनजाइटी मोस्टली इन इवनिंग, शाम के समय किसी को एनजाइटी हो जाती है उसमें, ट्रेपिडेशन में यूज करते हैं, ट्रेपिडेशन होता है ए फीलिंग ऑफ फियर और एनजाइटी दैट समथिंग मे हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो उसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन, उसमें भी इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। मिनरल सिंड्रोम होता है जिसमें चक्कर आते हैं, इसमें भी इस पॉइंट को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज TW19, जस्ट बिटवीन TW20 एंड TW17 एट द जंक्शन ऑफ द अपर 1/3 एंड द मिडिल 1/3 ऑफ द कर्व लाइन अलोंग द हेलिक्स। ठीक है ना, ये अपर 1/3 है जो वहाँ से हम नीचे लेंगे तो ये 19 नंबर पॉइंट है, यानी कान से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो 1/3 पे आएगा ये। तो यहाँ पर मैंने सुजो क्रॉसपेंडेंस पे एक थोड़ा सा और ऊपर इसको 19 को दिखाया गया है। सबक्यूटेनियस इंसर्शन होगा, 0.3 to 0.5 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है। क्या काम करता है, यू जी इस पॉइंट का नाम है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज स्कल रेस्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजेस, जो ब्रेन का आवरण होता है, कवरिंग होती है मेनिंजेस, उसका ये स्पेसिफिक पॉइंट है। दिस पॉइंट एक्सपेल द वात एंड कफ दोषा एंड रेगुलेट एनर्जी फ्लो, एंड दिस पॉइंट ट्रीट आफ्टर इफेक्ट ऑफ ब्रेन फीवर लाइक स्कार, एडिसन एक्सेट्रा। ब्रेन फीवर के बाद किसी को स्कार हो जाए या एडिसन हो जाए तो उसमें इस पॉइंट को हम यूज़ करते हैं। हेडेक में, टिनिटस एंड डेफनेस, इन्फेंटाइल कन्वर्जन में या ड्रूलिंग में, ए ग्रेट पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में ये अच्छा पॉइंट है। फियर में, पेन इन द ईयर, वॉमिटिंग स्पेशली इन द चिल्ड्रन में इस पॉइंट को हम यूज़ करते हैं। वॉमिटिंग ऑफ चिल्ड्रन, हम इस पॉइंट को वार्म्थ करना चाहिए, जब छोटे बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, वार्म्थ कैसे करेंगे, इस पॉइंट को हम एक अपनी फिंगर को लेंगे, अपनी फिंगर को जो है हमने पाम पे ऐसे खूब रगड़ेंगे, यानी खूब है ना, रगड़ने के बाद जो हमारी फिंगर क्या होता है, गर्म हो जाती है, और वो पॉइंट जो है गर्म करके फिंगर को हम वहाँ पर लगाते हैं, तो इसको वार्म्थ बोलते हैं, इससे वॉमिटिंग रुक सकती है। नेक्स्ट इज TW20, जो आपका हेलिक्स है, यानी कि जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है, यानी ऑरिकुलर एपेक्स इसे बोल सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा TW20 पॉइंट होता है। एंटीरियर ऑफ द ऑरिकल विद द हेयर लाइन ऑफ द टेम्पल डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द ईयर व्हेन द ईयर इज फोल्डेड फॉरवर्ड। जब हम कान को मोड़ते हैं ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, तो जो सबसे उभरा हुआ पॉइंट जो ऊपर किया है, जिसको ऑरिकुलर एपेक्स बोलते हैं, उसके पीछे ये पॉइंट होता है, जहाँ पे हेयर लाइन, जो आपके जो कान की जो हेयर लाइन है वहाँ पर भी ये होती है।
सबक्यूटेनियस इंसर्शन होगा 0.3 to 0.5 कुन की नीडल लग सकती है, ये भी यहाँ पे डीप इंसर्शन नहीं होगा, सिर्फ सबक्यूटेनियस इंसर्शन होगा। तो यहाँ पर भी मैंने TW20 जो है सबसे उभरे हुए पॉइंट पे यहाँ ऊपर लगाया है, बताया है आपको। जियाओ सुन इस पॉइंट का नाम है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज माइन्यूट एंगल, दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रिपल वार्मर मेरिडियन विद द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गॉलब्लैडर मेरिडियन। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस इज द मदर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस आपकी जो सब जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उसकी ये मदर होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही जो है वहाँ की वजह से जो है हम हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल ग्लैंड बोलते हैं। दिस पॉइंट ट्रीट कैटरेक्ट, रिलीव क्रैम्प बाय एक्सपेलिंग वात एंड कफ, दिस पॉइंट रिड्यूस स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग एंड पेन। एज पर TCM, TW20 इज ए ह्यूमन थर्मोस्टेट पॉइंट, ये जो है ह्यूमन थर्मोस्टेट पॉइंट है TW20, इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन सेंस ऑर्गन ऑफ ट्रिपल वार्मर। ये क्या है? ट्रिपल वार्मर का थर्मो रेगुलेशन सेंस ऑर्गन है, यानी कि ये थर्मोस्टेट है जब आपको ठंडा और गर्म को बैलेंस करने का ये पॉइंट है। हेडेक में स्टिफनेस ऑफ द नेक, रेडनेस एंड पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द आईज, कैटरेक्ट, टूथेक, स्वेलिंग ऑन द चीक, दिस पॉइंट कंट्रोल द फॉलोइंग सेल्फ रेगुलेटरी एंड ऑटोमेटिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। कौन कौन सी? ये अपने आप ही ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, टाइमिंग ऑफ स्लीपिंग एंड अवेकिंग में, आपको सोने का और जागने का टाइम को सही करता है, यानी कि उसको बैलेंस करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में, वाटर मेटाबॉलिज्म में, प्रेस्पिरेशन जो आपको पसीने के लिए, हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करता है, हाइपर सेक्सुअलिटी एंड हाइपोसेक्सुअलिटी को भी कंट्रोल करता है ये पॉइंट। अगर हम सिंगल पॉइंट यूज करें, वीक टीथ एंड गम्स पेशेंट कुड नॉट चीव, यानी किसी के जो पेशेंट के बहुत टीथ और गम जो है बहुत वीक हैं और वो चीव नहीं कर पाता है, मोस्टली ओल्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें तब TW20 को टोनिफिकेशन करना चाहिए। हम इसको ऐसे मैस्टिकेट भी बोलते हैं, यानी कि जो चीव नहीं कर पाता है उसको, उसका इम्पॉसिबल टू मैस्टिकेट, यानी चीव नहीं करने को ये उसका शब्द है। रेड एंड सोलाइन ईयर लोब सीडेट TW20, अगर किसी को है तो हमें TW20 को सीडेट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज TW21। अब ये कान का जो ट्रैगस है, ये जो आपका ट्रैगस होता है इसके ऊपर के भाग में, यानी नीचे तो सेंटर में तो SI19 होता है, उसके ऊपर चलेंगे हम तो ये जो है ये हमारा TW21 होता है। इन द डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन द माउथ इज ओपन, जब मुंह खोलते हैं और वो जो डिप्रेशन आता है, एंटीरियर टू द स्लाइटली सुपीरियर टू द कैंडाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा, 0.5 to 1 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है, जब हम माउथ को ओपन करते हैं तभी इस निडल को लगाते हैं। अब यहाँ पर सुजोक में तो हम TW21 हमारा ये यहाँ पर है, यानी कि ये ईयर के पास में हमने ये लगाया। ईयर मैन इस पॉइंट का नाम है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ईयर गेट, दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आईलिड टू विट्रियस बॉडी, ये आईलिड से विट्रियस बॉडी तक का जो पॉइंट पोर्शन है उसका ये पॉइंट है। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आईज के लिए, और वेरी गुड पॉइंट फॉर द डिसीज ड्यू टू हॉट वेदर, दिस पॉइंट ओपन द ब्लॉक्ड एयर, आपका कान जो बंद हो जाता है उसको ओपन करने का काम करता है। डेफनेस एंड टिनिटस में यूज करते हैं, या ऑटोरिया में यूज करते हैं, ऑटोरिया बोलते हैं ईयर कान में से जो पस फॉर्मेशन होती है, डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं, यानी कि ईयर डिस्चार्ज इंडिकेट इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल और मिडिल ईयर बोथ, उसमें यूज करते हैं ऑटोरिया में, टूथेक में यूज करते हैं, या TMJ सिंड्रोम किसी को है, यानी टेम्परो मैंडिबुलर ज्वाइंट में सिंड्रोम किसी को है, यहाँ पे पेन होता है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई आई डिसीज है मोस्टली ऑफ द आउटर आईज, या आई लिड में, लिड टू विट्रस बॉडी, कॉन्जक्टिवा में, कॉर्निया में, आयरिस में, लेंस में और कॉर्पस में कोई प्रॉब्लम है तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं TW21। वायलेंट कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द लिप टोन TW21, जब बहुत आपके होठ बहुत सिकुड़ जाते हैं, यानी लिप्स बहुत सिकुड़ जाते हैं, तो उस वक्त जो है हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, TW21 को हमें टोन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज TW22, अब इससे थोड़ा और ऊपर चला गया है कान के पास, यानी सुपीरियर
टेम्पोरल आर्टरी यहाँ पर होती है, एक टेम्पोरल आर्टरी होती है उसके पीछे इस पॉइंट को लगते हैं, है ये ऑरिकुलर रूट है, यानी कि जो आप कान का जो रूट है उसके पैरेलल हम इस पॉइंट को लगाएंगे। पोस्टीरियर टू द टेम्पोरल हेयर लाइन, ये आपकी कान की जो जो बाल की हेयर लाइन है वहाँ पर, लेवल विद द ऑरिकल एंड एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी। यहाँ पर हम ऑब्लिक और सबक्यूटेनियस इंसर्शन लगाएंगे, 0.3 to 0.5 को उनके निडिल लगाएंगे। अब इस आर्टरी को हमें बचाना है, यहाँ पर इन्हें सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी को हमें इसे बचाना होता है, इसमें हमें पंचर नहीं करना होता है, तो पास करके लगाएंगे। सुजो क्रॉसवर्डनेस में तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हम इसके पास में हमारा TW22 पॉइंट है। ईयर हेलियो पॉइंट इसका नाम है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ईयर हार्मोनी क्रीविस। दिस इज द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टिपल वार्मा मेरेडियन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन गॉल बेडा मेरेडियन, ये दोनों से यहाँ पे मिलता है। दिस इज द मास्टर पॉइंट ऑफ ग्लोसोफेरेंगियल नर्व्स, यहाँ पे ग्लोसोफेरेंगियल नर्व्स होती है उसका ये मास्टर पॉइंट है। दिस पॉइंट स्टेबलाइज द एनर्जी बाई एक्सपेलिंग वात एंड कफ दोषा, हेडेक में यूज करते हैं, टिनिटस में यूज करते हैं, ट्रिसमस या वायरी माउथ में यूज करते हैं, ट्रिसमस बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड लॉक जॉ, ट्रिसमस बोलते हैं, लॉक जॉ को बोल सकते हैं। इट रिड्यूस ओपनिंग ऑफ द जॉ, इट मे बी कॉज बाई स्पाजम ऑफ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन और वेराइटी ऑफ अदर कॉज, किसी भी कॉज से जब आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है, ज़्यादा खोल नहीं पाते हैं, लॉक जॉ होने लगता है, तब हम इसको बोलते हैं ट्रिसमस, तो वहाँ पे इस पॉइंट को हम लगा सकते हैं। ट्विचिंग ऑफ द आइज में लगा सकते हैं, ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल्स में लगा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेस्ट, सलाइवा, ब्रीथिंग, इसमें हम इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन ओल्ड एज टेस्ट बड्स डिक्रीजेस, दिस कॉज मेनी फूड्स टेस्ट बिटर और लैक ऑफ टेस्ट, TW22 टोन। बूढ़ी जो मतलब थोड़ा ओल्ड एज में क्या होता है, आपका टेस्ट का जो बड्स है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको जो है टेस्ट जो है मतलब मुंह में कड़वापन रहने लगता है, बिटर टेस्ट रहने लगता है, तो हम TW22 को हमें टोन करना चाहिए। इन्फ्लेमेशन इन ऑडिटरी मीन्स ऑडिटरी मीटर्स, TW22 सिडेशन। लॉक जॉ में भी हम TW22 को सिडेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है TW23, ये जो आपकी आईब्रो है, आईब्रो के लास्ट में ये पॉइंट है, और जो आपका ये आउटर कैंथस है वहाँ पर हमारा GB1 पॉइंट है, उससे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, तो आईब्रो के पास जहाँ पे कट होगा उसको मैं TW23 पॉइंट को लगाऊंगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने ये लगाया है ऊपर, ये आईज है मेरे यहाँ पर, इसके पास मैंने TW23 लगाया। एट द लेटरल एंड ऑफ द आईब्रो इन द डिप्रेशन ऑन द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, इसको सुप्रा, ये आपका जो जो ऑर्बिट होता है, आईज का ऑर्बिट होता है, उसके मार्जिन पे हम इसको लगाएंगे। सबक्यूटेनियस इंसर्शन होगा, 0.3 to 0.5 कोण की निडल यहाँ पर लग सकती है। साइज यू कॉन्ग इस पॉइंट का नाम है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज स्किल बैम्बो होलो। दिस पॉइंट मेमोराइज यू दैट यू आर ब्यूटिफुल, हेल्दी एंड ग्रेट पर्सनैलिटी। इस पॉइंट पर जब ट्रीट करोगे आप इस पॉइंट को, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हेल्दी हैं और ग्रेट पर्सनैलिटी है। ये आपको अपने में जो है जोड़ता है, अपने से जोड़ता है। दिस इज ए स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुपीरियर टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट, ये TMJ का जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट है। दिस पॉइंट एनहेंस द सिक्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड बाई बैलेंसिंग द एनर्जी एंड एक्सपेल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वात। ये कहाँ यूज हो सकता है, एपिलिप्सी में, हेडेक में, वर्टिगो एंड माइग्रेन में यूज कर सकते हैं, ब्लड विजन में, रेडनेस विद स्वेलिंग एंड पेन इन द आइज में, ट्विचिंग ऑफ द आईलिड्स में यूज कर सकते हैं, टूथएक में, पेन एंड क्रैकिंग साउंड बाई मूविंग जॉ, अनेबल टू क्लोज माउथ यूज कर सकते हैं, चिल फीलिंग में यूज कर सकते हैं। TW23 को जब हम ट्रीट करते हैं अलॉन्ग विद GB1, हम उसमें एंगर में यूज कर सकते हैं। दिस इज द एग्जिट एंड एंट्री ट्रीटमेंट, यानी कि मैं GB1 को भी यूज़ करूँगा, TW23 का भी यूज़ करूँगा, तो ये हमारा एग्जिट और एंट्री है एंगर के लिए, बाहर निकालने का पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वाटर पॉइंट इज TW2, मेटल पॉइंट इज TW1, अर्थ पॉइंट इज TW10 जो कि सिडेशन पॉइंट है यानी कि सन पॉइंट बोलते हैं, फायर पॉइंट इज TW6 जो कि हॉररी पॉइंट है, वुड पॉइंट इज TW3 जो कि टोनिफिकेशन पॉइंट है जिसको हम मदर पॉइंट बोल सकते हैं, ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट इज TW5, Z-cleft पॉइंट इज TW7, ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज TW4, इसमें कार्डिनल पॉइंट है TW5,
जो कि हैंड आर्म एंड नेक का और ईयर का एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है। तो आज हमारा टी डब्ल्यू मेरिडियन पूरा होता है, कल हम फिर देखते हैं कि हमें अगली नेक्स्ट मेरिडियन पे हमें जाना है। थैंक यू वेरी मच साथियों, मेरे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद आपका।